नमस्कार, स्वतंत्र प्रभात में आपका स्वागत है। मैं दिनेश कुमार भारद्वाज इस समय दिल्ली के पटेल नगर क्षेत्र में हूं और यहां पर आज पेंशन को लेकर हमारे बीच में जुड़ रहे हैं हमसे एस के चौबे जी, जो टीम फाटक संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं, और इन्हीं से बात करते हैं कि क्या वो कारण है जो दिल्ली सरकार वृद्धा पेंशन आज तक इन लोग को बहाल नहीं किया गया और ना ही कोई नया वृद्धा पेंशन बन रहा है। इसके जी, आपका नाम सर? मेरा नाम एस के चौबे जी। सर, बहुत खूबसूरत सवाल आपने पूछा कि क्या कारण है जी जो इनको वृद्धा पेंशन नहीं दे पा रहे हैं, और जिसके कारण से दिल्ली के तमाम बुज़ुर्ग आज परेशान हो रहे हैं और बदहाली में अपने जीवन को जी रहे हैं। तो मैं बता दूं कि ये लोग, दिल्ली सरकार के लोग, नियत के चोर हैं। इनकी नियत में ही खोट है। आज मैं बता दूं आपको कि दिल्ली सरकार, बिजली विभाग हो, जल बोर्ड हो, या जो भी हो, बिल बना के देती है। तो ये देखिए, पेंशन का 7% जो टोटल वैल्यू होती है उसका, देखिए 7% ये पेंशन के लिए दिखाएंगे, कैमरामैन के चाहूँगा दिखाएंगे इसको, आप दिखाइएगा। 7% जो भी अमाउंट होता है उसका ये पेंशन के लिए जो है कि ये लेती है, सर चार्ज काट। अब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये पेंशन किसके लिए है। इनके विधायकों के लिए, कि इनके मंत्रियों के लिए, कि इनके सांसदों के लिए, वो किसका पेंशन है जो, क्या उस 7% में हमारे दिल्ली के बुजुर्गों का हिस्सा नहीं है क्या जी? मैं ये जानना चाहता हूँ कि किस चीज़ का ये 7% ले रहे हैं, चाहे बिजली का बिल हो, चाहे पानी का बिल हो, या और भी कोई बिल हो, बस पे जो किराया देते हो उस पे भी जो है कि इनका पेंशन के लिए होता है, जो भी मतलब कि हम मेट्रो का किराया लेते हैं, मेट्रो में भी जो है कि पेंशन का पैसा जाता है, सब जगहों पे हम पेंशन के लिए पैसे कटवा रहे हैं। आज वो पैसा इन लोगों को मिल क्यों नहीं, वो पैसा खर्च कहाँ हो रहा है, पेंशन का पैसा कहाँ जा रहा है, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। मतलब कि हम पैसे दे रहे हैं और उसके बाद हमारी इन बुजुर्गों का अपमान किया जा रहा है सरकार द्वारा। ये बदनीयती है, देने की इच्छा नहीं है, और कहा जाए तो सबसे बड़े ये धोखेबाज हैं, वो भी दिल्ली के बुजुर्गों के साथ जो धोखा कर रहे हैं। जो बुजुर्गों का नहीं हुआ वो हमारा आपका नहीं होगा, इसलिए विशेष तौर से ध्यान दीजिए अपने बुजुर्गों के इस सम्मान को दिलाने के लिए। एक होइए, मैं दिल्ली की जनता से निवेदन कर रहा हूँ कि एक होइए, आइए हम संघर्ष करेंगे और इनका पेंशन इनको जरूर दिला के रहेंगे। अभी पता चला है कि आप एक बुजुर्गों को लेकर एक जन आंदोलन करने वाले हैं, कि अगर यहाँ के राजकुमार आनंद जी हैं जो पटेल नगर में ही रहते हैं, कि अगर कुछ दिनों में इनकी पेंशन बहाली नहीं हुई तो आप बुजुर्गों को लेकर एक जन आंदोलन। बिल्कुल, राजकुमार आनंद जी जो कि हमारे यहाँ से विधायक भी हैं और समाज कल्याण मंत्रालय भी, बुजुर्गों का पेंशन या किसी भी प्रकार का पेंशन वो समाज कल्याण मंत्रालय के अधीन आता है। हमें ज़्यादा दूर जाना नहीं है, मैं दिल्ली सरकार को बता दूं, हम तो 10 मिनट में पहुंच जाएंगे आपके मंत्री के पास जी। लेकिन आप खैर वो जो है कि ये सोचिएगा कि वो कब आपके सचिवालय में पहुंच पाएंगे, क्योंकि हम जाने भी नहीं देंगे उनको, जहाँ पर रहेंगे वहीं पर पकड़ के बैठ जाएंगे सारे बुजुर्गों के साथ में, और दिल्ली के बुजुर्गों के साथ में। अभी तो हमारा आंदोलन पटेल नगर के बुजुर्गों को लेकर के होगा और हर बुजुर्ग को इनके दरवाजे पे लेके पहुंचूंगा। अगर ये बुजुर्गों का पेंशन बहाली नहीं करते हैं तो बाकी दिल्ली सरकार जो उचित निर्णय लेना है ले ले, नहीं तो मैं इनको 1 महीने का समय देता हूँ। 1 महीने में अगर ये अपना कोई निर्णय नहीं लिए तो फिर आंदोलन हम भरपूर और बड़ा आंदोलन करेंगे इस चीज़ को लेकर। तो आप देख रहे हैं कि हमारे साथ में टीम फाटक संघर्ष समिति के अध्यक्ष एस के चौबे जी थे, जो इन्होंने विस्तृत जानकारी दी है कि अभी कुछ चीज़ें स्पष्ट नहीं हो पा रहे हैं कि किस कारण बस दिल्ली सरकार ने इन वो योजनाओं को बंद किया है। आगे जो भी अपडेट होगा हमारे वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा। स्वतंत्र प्रभात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें,
और आने वाले एपिसोड में आपको बताएंगे कि वृद्धा पेंशन क्यों नहीं लागू किया गया।